अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और C++ प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ का ये 12th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या हैं और इनका यूज़ क्या है। ठीक है, अब हमें पता है कि फंक्शंस की भी फर्दर टाइप्स हैं। कुछ फंक्शंस हमने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े, जैसे कि हमने मैथ लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, अब वो फंक्शंस जो हैं वो बिल्ट इन हैं, जो कि C++ ने खुद बनाकर हमें प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, उन फंक्शंस की मदद से हम अपना काम जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन कि जो यूज़र खुद डिफाइन करता है, ऐसे फंक्शन जो कि यूज़र खुद डिफाइन करे, डेट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, हम आज के लेक्चर में हम इन यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक्चुअली है क्या? अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट डेट टूगेदर परफॉर्म अ टास्क। एक फंक्शन जो है स्टेटमेंट का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि मिलकर एक टास्क जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, कि मीन कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन है जो हम एक अलग-अलग अपने मेन के अंदर काम करते थे, अब अगर फंक्शन के साथ करेंगे तो वो क्या होगा कि वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कलेक्ट करेगा और उनको मिलाकर एक टास्क परफॉर्म करेगा और हमारा जो है ना वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब हर फंक्शन जो होगा उसका एक स्पेसिफिक टास्क होगा। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस की तरह नहीं है कि मीन कि अगर हमने मैथ लाइब्रेरी का एक फंक्शन यूज़ करना है, अगर उसी फंक्शन के थ्रू हमें कुछ और रिजल्ट चाहिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें कोई डिफरेंट फंक्शन चाहिए। तो इसी तरह हमें यहाँ भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में हमें अपना जो स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म करने के लिए हर फंक्शन एक अलग-अलग उसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, मीन कि हर काम करने के लिए एक अलग फंक्शन हमें यूज़ करना होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस क्या है? ठीक है, कि फंक्शन का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फंक्शन जो ना वो बनता है। फंक्शंस की जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक फंक्शन डिक्लेरेशन आती है और दूसरी है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? अब फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। अब फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो एक्चुअली जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना उसका नाम बताएगी, फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरी चीज़, अब वो फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है, कि हम वो फंक्शन क्या इंटीजर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या फ्लोट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या स्ट्रिंग या चार किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वो रिटर्न टाइप उसकी बताएगी जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन में बताते हैं। एंड थर्ड इज़ पैरामीटर्स, कि अब उस फंक्शन को हम कौन से पैरामीटर पास कर रहे हैं, मीन कि कौन सी वैल्यूज पास कर रहे हैं, या कोई वैल्यूज पास कर रहे हैं या नहीं पास कर रहे हैं, हमें उस ये भी फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें बताना होता है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक फंक्शन का नेम है, दूसरी है उसकी रिटर्न टाइप, वो फंक्शन किस टाइप का है, एंड थर्ड वन इज़ पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये पैरामीटर डिपेंड करता है आपके जो ना वो फंक्शन पे कि आप जो ना किस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं उसमें ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन वो है, आपने फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन उस फंक्शन के अंदर आपने क्या काम करना है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, उस फंक्शन ने क्या आपको जो ना रिक्वायर्ड रिजल्ट देना है, वो फंक्शन डेफिनेशन है। कि वो डिफाइन जो ना वो कर रहा है, वो चीज़ें डिफाइन कर रही हैं उस फंक्शन को, डैट इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। अ फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कि वो फंक्शन डेफिनेशन जो है वो उस फंक्शन की एक्चुअल बॉडी जो हमें डिफाइन करती है या प्रोवाइड करती है। जैसे हम लूप में किया करते थे या इफ एल्स में, कि यार इफ एल्स की वो डिक्लेरेशन होती थी और आगे हम ब्रैकेट्स लगा के उसकी बॉडी बनाते थे और उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते थे, सिमिलरली फंक्शन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन को हमने डिफाइन कैसे करना है,
पहले हम सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप। सबसे पहले हमने लिखना है कि वो फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है, कि वो फंक्शन क्या जो ना किस टाइप का काम करेगा वो हमने पहले बताना है। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा अपने नेचुरल टाइप में समझिएगा कि हमने अगर कोई फंक्शन यूज़ करना है तो उसका पहले बताना होता है कि हमने कि यार वो फंक्शन किस टाइप के लिए है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कि उस फंक्शन की हमने पहले बतानी है कि रिटर्न टाइप क्या है, कि मीन कि उसकी डेटा टाइप क्या है, वो फंक्शन किस टाइप का है, इंटीजर का है, फ्लोट के लिए है, डबल के लिए है, या किस टाइप के लिए है, ठीक है। अब ये बताने के बाद हमारा ये एक स्टेप हो गया। अब उस दूसरा स्टेप हमने करना है कि उस फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। अब उस फंक्शन का क्या नाम होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। थर्ड जो है वो हमने पैरेंथेसिस डालनी है, ठीक है, पैरेंथेसिस डाल के इसके अंदर हमने पैरामीटर लिस्ट डिफाइन करनी है कि अब उस फंक्शन को क्या वैल्यूज पास हो रही हैं, क्या उसको आर्गूमेंट पास हो रहे हैं, कि उसको क्या क्या जो हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम इस ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी फंक्शन डेक्लेरेशन हो गई है, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था फंक्शन डेक्लेरेशन के बारे में कि उसमें पहले रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, एंड देन हम उसकी डिफाइन करते हैं पैरामीटर लिस्ट। अब उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन डेफिनेशन। तो अब फंक्शन डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन की जो एक्चुअल जो ना वो उसकी डेफिनेशन या एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन थी या उसकी बॉडी कह लें वो फंक्शन डेफिनेशन कहलाती थी, वो हमने ब्रैकेट्स डालनी है फिर, और उसके बाद फिर हमने लिखनी बॉडी ऑफ फंक्शन कि उस फंक्शन में हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। कि सबसे पहले हमने लिखी रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस डाल के पैरामीटर लिस्ट लिखनी है। अब पैरामीटर लिस्ट में ज़रूरी नहीं है कि पैरामीटर लिस्ट मस्ट है, अब ये ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल आप एक मैक्सिमम नंबर का जो ना वो प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब उसमें मैक्सिमम नंबर के लिए आपको नंबर कोई चाहिए, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर कोई नंबर चाहिए, तो आप जो मेन से इस फंक्शन को कुछ नंबर पास करेंगे, ठीक है, ए बी सी कुछ भी नंबर पास करेंगे आपको जो ना वो, क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है और मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है तो आपको कोई पैरामीटर चाहिए, नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी नहीं करना, फॉर एग्जांपल आपको अपना नाम ही प्रिंट करवाना है, कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो उसमें कोई पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तो हमने जस्ट सी आउट कुछ करवाना, मैसेज डिस्प्ले करवाना, तो हम इसको पैरामीटर लिस्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, हम आकर बॉडी के अंदर जस्ट वो मैसेज लिखेंगे एंड दैट इज़, ठीक है, कि वो काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके हो गया, अब डिफाइन फंक्शन हमारे कंप्लीट है। देन अब हमने पढ़ना है रिटर्न टाइप, जो हमने पढ़ी थी कि रिटर्न टाइप ये फंक्शन किया है ये एक्चुअली क्या क्या हो सकती है। रिटर्न टाइप कैन बी एनी डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, चार हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट एटसेट्रा, कोई भी हो सकती है जो सी प्लस प्लस में डिफाइंड हैं, ठीक है। इफ़ नथिंग टू रिटर्न फ्रॉम फंक्शन वी यूज़ रिटर्न टाइप वॉइड। अब वॉइड क्या है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए आपको कोई नंबर्स जो हैं वो फंक्शन को पास करने होंगे, एंड देन आपको कोई वो नंबर मैक्सिमम कैलकुलेट करके आपने फिर वो नंबर रिटर्न करना है मैक्सिमम, फाइन। अब उसके लिए तो आप इंटीजर यूज़ करेंगे, इंटीजर आपने डेटा टाइप यूज़ की और उसमें से आपने कुछ रिटर्न किया, ठीक है। अब एक सिनेरियो ये आता है कि आपने कुछ रिटर्न ही नहीं करना, आपने वही जो फंक्शन के अंदर ही सारा कुछ काम कर लेना है, फंक्शन से बाहर आपने कुछ भेजना ही नहीं है, ठीक है, कुछ रिटर्न ही नहीं करवाना, तो उसके लिए फिर भी कोई डेटा टाइप चाहिए या कोई ऐसा जो ना वो हमें कीवर्ड चाहिए या कोई ऐसी जो ना वो इसकी फंक्शन चाहिए कि जो यूज़ करके हम उसको रिटर्न टाइप ना करवा सकें, उसकी कोई रिटर्न ना करवा सकें वैल्यू, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइड। अगर हम किसी फंक्शन के साथ वाइड लिख देना तो वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, कि अगर आप रिटर्न करने की कोशिश भी करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, ठीक है, तो उस फंक्शन से आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते अगर आपने कोई रिटर्न आप उस फंक्शन की रिटर्न टाइप आपने लिख दी है वाइड, ठीक है। पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर आर एनी आर्गूमेंट्स आर वैल्यूज़ यू पास टू द फंक्शंस, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं जो कि आप फंक्शंस को पास करते हैं, ठीक है, जैसे हमने पीछे मैक्सिमम नंबर वाले के जो ना वो एग्जांपल में देखा कि उसमें हम नंबर पास कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर्गूमेंट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, कि ये कोई भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है, ये कोई भी डेटा टाइप के हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं।
अच्छा, अब मैंने जैसे हम पीछे करते आए हैं काम, के हमने मेन के अंदर जो भी काम करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट डिटेल्स लिखनी है, मैंने स्टूडेंट डिटेल लिखनी है जिसमें मैंने यूज़र से मैं कहता हूँ कि मुझे तीन इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट की, जिनमें पहला होगा स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है, उसके बाद उसने इनपुट करवा दिया नाम, देन मैं कहता हूँ कि उसकी एज भी इनपुट करवाओ, एज इनपुट करवा दी, एंड देन मैं कहता हूँ कि आपने उसका GPA भी इनपुट करवाना, तो उसने स्टूडेंट का GPA भी इनपुट करवा दिया। और ये प्रोग्राम है हमने इसलिए लिखा कि हमें स्टूडेंट की डिटेल चाहिए थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि आपको यही काम जो है वो मल्टीपल टाइम्स करना पड़े, ठीक है, और हर बार जो है वो आपको ये इनपुट भी डिफरेंट करवानी है, एज भी डिफरेंट करवानी है, GPA भी, मीन कि अगर आपने 10 स्टूडेंट्स का भी लिखना है, ठीक है, और उसमें 10 के लिए भी आपने डिफरेंट जन करानी, तो आप इस मेन के अंदर ही करना शुरू करेंगे, तो देन इट वुड बी टू यू नो बकी हो जाएगा कि ये बहुत जो है ना वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट के उल्ट हो जाएगा काम की। ऐसा रिक्वायरमेंट होती नहीं है प्रोग्रामिंग में, एक 1000 लाइन का कोड हो तो आप जो ना वो लिखने लग जाएं तो ये तो फिर जो ना पूरे आपके लाइंस पे एक छोटी छोटी सी जो ना वो ब्लॉक ऑफ कोड ही लाइन पूरी लाइन पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। अब जो काम हमने यहाँ पे किया है, एक स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करवाने के लिए किया है, अब वही काम अगर हम फंक्शन के अंदर करें तो ये हमारे मेन में ये जितनी स्टेटमेंट लिखी हैं ये कम हो जाएंगी और हमारा कोड भी कुछ एफिशिएंट लग जाएगा, ठीक है, अब वो हमारा कोड बिल्कुल एफिशिएंट नज़र आएगा। अब वो कैसे कर सकते हैं हम, अब यही चीज़ मैंने फंक्शन के थ्रू करनी है। अब स्टूडेंट डिटेल में फंक्शन के थ्रू इनपुट करवाऊंगा। अब देखें, सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया इंफॉर्मेशन का, मैंने फंक्शन बनाया इंफॉर्मेशन का, अब मैंने इंफॉर्मेशन की जो रिटर्न टाइप, डाटा टाइप जो रखी है, या रिटर्न टाइप कह लें, रिटर्न टाइप जो मैंने रखी है वो रखी है वाइड। अब आपको पता है, एक चीज़ का कंफर्म पता है कि जब मैंने वाइड रख दी है, अब इस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा सकता। एक बात तो आप पल्ले बांध लें कि अब मैंने फंक्शन की डेटा टाइप रख दी है वाइड, तो अब इस फंक्शन से आप कुछ भी रिटर्न नहीं करवा सकते, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखा है फंक्शन का नाम, ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेरेशन में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखी पहले, रिटर्न टाइप लिखने के बाद हमने, रिटर्न टाइप लिखने के बाद हमने लिखी फंक्शन का नाम लिखा, एंड देन पैरेंथेसिस डाल। अब इसमें हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया क्योंकि ऑप्शनल है, क्योंकि हमें यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे, ना हमें ज़रूरत है, ठीक है, हमें जस्ट स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करवानी है और वो जो ना वो बस आउटपुट करवाना है, इनपुट करवानी है, और जस्ट जो ना फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो यहाँ पे हमें कोई आर्गुमेंट्स की या पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने चीज़ यहाँ पे लिखी थी मैंने वो उठाकर वो पूरी चीज़ यहाँ पे अब रख दी, ठीक है। अब क्या होगा कि वो सारी डिटेल्स जो है वो सारा काम क्या होगा, मेन के अलावा उसका एक फंक्शन बन गया इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन के अंदर उस स्टूडेंट्स की डिटेल हम सारी इनपुट करवाएंगे यूज़र से, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो फंक्शन है, अब ये इसका काम है कि ये सारी डिटेल्स को हैंडल करे। अब इसका तल्लक जो है वो सारी डिटेल्स का तल्लक इस इंफॉर्मेशन के फंक्शन से है, ठीक है, जो काम भी करना है डिटेल्स के मतलब इंफॉर्मेशन वाले फंक्शन ने करना है, और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब वही चीज़ें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, पहले स्टूडेंट का जो ना वो मैंने इनपुट करवाया नाम, फिर इनपुट एज, फिर GPA, ठीक है। अब मैंने तो फंक्शन तो बना लिया, अगर आपने फंक्शन बना लिया, फंक्शन बनाने के बाद आपने जस्ट इसे आउटपुट कराया, तो ये फंक्शन जो है वो कोई काम नहीं करेगा। आपने जस्ट मेन में रिटर्न ज़ीरो लिखा, आपने इंफॉर्मेशन ये भी नहीं लिखी लाइन, और जस्ट आपने इसको रन किया, तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं करेगा, ये फंक्शन रन ही नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा, क्योंकि आपने इससे कॉल ही नहीं की। ये मेन जो है वो आपका मेन है, फंक्शन है, एक्चुअली ये भी फंक्शन है, मेन जो है ये भी एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर आपने जो ये बाहर फंक्शन बनाया है, अब आपको बताना पड़ेगा कि मेन को यार कि मेरे जो मैंने अपने अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है उसके में एक फंक्शन भी आएगा, ठीक है। अब मेन बताएगा कि मेरे अंदर एक जो ना वो एक और फंक्शन आ रहा है,
डेट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन को कॉल करेगा, ठीक है, जैसे हम कॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना कॉल किए तो हम किसी को जो ना वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दे सकते या किसी तक जो पैगाम ही नहीं पहुंचा सकते। तो इसी तरह हम यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। हम कॉल कैसे करेंगे, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जस्ट, यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखनी, ठीक है, या रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, जस्ट हमने फंक्शन का नाम लिखना है एंड पैरेंथेसिस डालनी है, ठीक है। पैरेंथेसिस डालने के बाद हमने इसको कॉल करना है, अपने रन करना है। जैसे रन करेंगे ये सारी जो है वो फंक्शंस की इंस्ट्रक्शन रन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ से पैरामीटर पास किए हैं और यहाँ पे आपने पैरामीटर नहीं लिखे तो ये भी एरर आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ से जो पैरामीटर आपने पास करने हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे भी होने चाहिए और उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। ये बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर आपने यहाँ से पास किए हैं वो नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम होने चाहिए और उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये थी फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने एक पैरामीटर के साथ जो ना इसी फंक्शन को यूज़ किया है कि जो मैं पैरामीटर यहाँ पे इनपुट ले रहा था यूज़र से नेम, अब मैं क्या करूँगा कि जस्ट यहाँ से नेम मैं खुद ही पास कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ मैं एज और जीपीए कैलकुलेट करूँगा। अब मैंने जस्ट ये पैरामीटर का बताने के लिए ये डिफरेंस किया है कि अब फंक्शन वो सेम है, यहाँ से मैंने पास किया मोहम्मद आतिफ, ठीक है, मैंने मोहम्मद आतिफ यहाँ से नेम पास किया, यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एक डेटा टाइप जो ना वो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है नेम यहाँ पे पैरामीटर के अंदर जो कि है स्ट्रिंग नेम। अब ये यहाँ से मोहम्मद आतिफ जो है वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास होगा कहाँ पे, इस नेम में, ठीक है। अब ये पैरामीटर में नेम लिखा हुआ तो नेम में क्या, नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोहम्मद आतिफ, ठीक है। अब नेम की वैल्यू होगी मोहम्मद आतिफ और उसके बाद जो है वो सारा प्रोग्राम वो वैसे का वैसा ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, कि जो आपने यहाँ से पैरामीटर पास किया उस पैरामीटर की वैल्यू जाके उस वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगी, फाइन। अब उसके बाद मैं एक और जो ना वो हमने अभी तो किए void, ऐसे फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन ऐसे फंक्शन है कि अगर हमें उसमें से कुछ रिटर्न करवाना पड़े, ठीक है, कोई रिजल्ट हमें मेन में रिटर्न करवाना पड़े तो वो कैसे हम उनको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक मैक्सिमम का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो और उसमें हमने क्या करना है कि एक फंक्शन के थ्रू हमने नंबर जो है मैक्सिमम फाइंड करना है, तो दो नंबर आपने जो ना वो उस फंक्शन को पास करने हैं, ठीक है, और उस फंक्शन में आपने चेक करना है कि अगर तो नंबर जो 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 भी नंबर उनमें से बड़ा है वो आपने रिटर्न करवा देना है, ठीक है, जो नंबर भी बड़ा है वो रिटर्न करवा देना। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले हमने लिखा इंट, अब आपको पता है कि जैसे हमने वाइल्ड लिखा था तो उसकी रिटर्न टाइप नहीं थी, अब हमने लिखा इंट तो इसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी और वो रिटर्न कैसी होगी, इंटीजर डेटा टाइप की, कि यहाँ से इंटीजर डाटा टाइप का रिजल्ट रिटर्न होगा, मीन के उस मेन के अंदर जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा उसको वापस जाएगा इंटीजर डाटा टाइप का रिजल्ट, ठीक है। मैंने यहाँ से गेट मैक्सिमम, ये फंक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना, अब जस्ट मैक्स और इंट मैक्स को आप जो ना इग्नोर करें, अब इस पर जस्ट ध्यान दें। गेट मैक्सिमम नंबर है, फंक्शन है, इसको मैंने दो आर्गूमेंट पास किए, वन और टू, वन और टू दो आर्गूमेंट मैंने पास किए, पैरामीटर पास किए। अब जो यहाँ पे मैंने फंक्शंस के अंदर पैरामीटर लिखे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, जो भी आर्गुमेंट किए, इंटीजर ए इंटीजर बी, क्योंकि यहाँ से भी डेटा टाइप पास हो रही है तो वहाँ पे भी इंटीजर डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे, तो ये मेरे पैरामीटर हो गए। अब यहाँ से जो पहला आर्गुमेंट होगा वो जाएगा ए को, पहला आर्गुमेंट ए को जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी वन, दूसरा आर्गुमेंट जाएगा बी को और बी की वैल्यू हो जाएगी टू, ठीक है, ये बिल्कुल करस्पोंडिंग काम करता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल करस्पोंडेंस काम होता है कि पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर को, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर को, ठीक है। अब यहाँ से गया, ये दो वैल्यूज गई, ए की वैल्यू होगी वन और बी की वैल्यू होगी टू, अब यहाँ पे आके कंपेयर करना शुरू किया उसने, अगर ए ग्रेटर देन बी तो रिटर्न करवा देगा ए, एल्स रिटर्न करवा देगा बी, ठीक है। अगर तो ए ग्रेटर देन बी है, कि जो हमारी ए की वैल्यू क्या थी, वन ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो वो रिटर्न क्या करवा देगा, ए,
लेकिन ये वन इज़ ग्रेटर देन टू, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट, और वो क्या रिटर्न करवा देगा, बी। अब जैसे उसने बी रिटर्न करवाया, बी की वैल्यू क्या थी, टू। अब टू रिटर्न होती होती आई इस फंक्शन के पास, जो कि गेट मैक्सिमम था। अब इस फंक्शन में टू रिस्टोर हुआ है, अब इस फंक्शन के अंदर टू इस वक्त पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर जब टू पड़ा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट आउटपुट भी करवा सकते हैं, सी आउट, जिस तरह हम जो ना वो करते हैं सी आउट करवा के गेट मैक्सिमम कर दें, ऐसे भी आउटपुट करवा सकते हैं। या फिर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं मैक्स का, कोई भी इंटीजर डाटा टाइप का जो ना वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं, और उसके अंदर आप जो ना वो इस गेट मैक्सिमम को असाइन कर दें, क्योंकि गेट मैक्सिमम वाले फंक्शन में क्या रिटर्न होकर आया है, टू। अब इसमें पड़ा हुआ है टू, तो टू किसको असाइन हो जाएगा, मैक्स को, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, ठीक है। यही था कि आपने जो भी रिटर्न करवाया रिजल्ट, वो उस फंक्शन के अंदर ही आ जाएगा, और आप उस फंक्शन में से वो वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। वो निकाल कर आप किसी वेरिएबल को असाइन कर दें या वहीं पे आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अपने हमेशा याद रखनी है कि हर फंक्शन एक एट अ टाइम एक जो ना वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या एक कोई भी डाटा टाइप की जो वैल्यू वो एक रिटर्न कर सकता है, वो मल्टीपल नहीं रिटर्न कर सकता, ठीक है, कि हमेशा वो एक ही रिटर्न कर सकता है। अब हम इसको कंपाइलर पे जाकर जो ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और वहाँ पे हम इसको देखते हैं कि कैसे फंक्शंस को हम C++ में यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब हम जो ना वो एक फंक्शंस करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल सी आउट हमने लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैंने जस्ट यू नो एक स्टेटमेंट जो मैंने आउटपुट करवाई है, एंड दैट इज एंड एल, ठीक है। आपको पता है आप इसको रन करेंगे तो रन करके आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, वो हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा, ठीक है, वो शो हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये जो हेलो वर्ल्ड के स्टेटमेंट है, मैं इसको फंक्शन के थ्रू जो ना वो आउटपुट करवाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं पहले फंक्शन डिक्लेयर करवाऊँगा। अब आपको पता है पहले क्या आती है, रिटर्न टाइप। तो हमें कोई भी इस फंक्शन में से, इसके लिए तो हमें कुछ रिटर्न ही नहीं करवाना, कुछ जस्ट मैसेज ही डिस्प्ले करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब वर्ड यूज़ करने के बाद हमने फंक्शन का नाम लिखना है, डैट इज़ हम कोई भी लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ डिस्प्ले। उसके बाद हमने लिखनी है पैरेंथेसिस और फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब इस फंक्शन पैरामीटर तो हम कोई पास नहीं कर रहे, ना हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो हेलो वर्ल्ड है, हम वहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं की, ये फंक्शन तो बना हुआ है लेकिन कॉल ही नहीं की इसको। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले का फंक्शन है, इसको मैं कॉल करूँगा। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, ये फंक्शन उसी टाइम जो है अपना काम कर देगा, देखा, हेलो वर्ल्ड, ओके। अब इस फंक्शन के अंदर जो मर्जी लिखे हैं, सी आउट, ठीक है, आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है, ओके, हैंडल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो हेलो वर्ल्ड, आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये फंक्शन में उसने डिस्प्ले करवा दिया। जो आपने वो पहले एग्जांपल की थी, स्टूडेंट का जो ना वो नेम डिस्प्ले इनपुट करवाया, फिर उसका जीपी, वो भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ रिटर्न ही नहीं करवाना। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम ली, सीन किया आपने नेम, ठीक है, फिर इंट एच, ठीक है, और सीन किया एच, देन फ्लोट जीपीए, और फिर आपने किया सीन जीपीए, ठीक है। तो आप इसको जो ना वो जस्ट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी, इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको आउटपुट भी करवा दें, सी आउट स्टूडेंट नेम, ठीक है, डेट इज नेम, हैंडल,
सी आउट कौन से एज है, एंडल और सी आउट जीपीए एंडल, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज है और यहाँ पे मैं जीपीए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, डिबग स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। अब उस पहले मांग रहा है नेम, तो मैं लिखता हूँ आतिफ एज 18 और जीपीए डेट इज़, और इतना तो ज़्यादा है नहीं मेरा, 3 point, लेट्स पर 5 कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम आतिफ एज 18 जीपीए 3.5, ठीक है। कितना क्रेजी लग रहा है, अब जना वो हम काम जना फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं और मेन हमारा कुछ स्टेटमेंट्स, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी है और बाकी सारा वो काम हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शंस की खूबसूरती है, ठीक है। अब हमने फंक्शंस कर लिए void, अब void टाइप का हमने फंक्शंस किया, अब इसमें हमने तो कोई जो ना वो रिटर्न टाइप नहीं करवानी थी, ना कुछ जो ना वो काम जो ना हमने इसमें रिटर्न करवाने वाला था। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं डैट इज़ मैक्सिमम, गेट मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं इसे पास करता हूँ दो वेरिएबल, डैट इज़ इंट ए इंट बी, और यहाँ से मैं चेक करूँगा अगर तो ए इज़, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो रिटर्न क्या करवा दो ए, और एल्स रिटर्न करवा दो बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे गेट मैक्सिमम को मैं कॉल करता हूँ और उसमें मैं भेज देता हूँ लेट्स सपोज 32 and 12, ठीक है। अब ये 32 और 12 जाएंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 32 हो जाएगी, बी की वैल्यू 12 हो जाएगी, पहले फिर कंपेयर करना शुरू करेगा, जो इनमें से वैल्यू बड़ी होगी वो रिटर्न कर देगा किसको, गेट मैक्सिमम को, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होके आएगी इसमें अंदर स्टोर है, अब इसके अंदर वो वैल्यू पड़ी हुई है। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट आउटपुट भी करवा सकते हैं, सी आउट करवा दें और गेट मैक्सिमम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सी आउट गेट मैक्सिमम, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, 32 आउटपुट हुई है जो कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ एंडल, ठीक, ठीक है, 32 शो हो रही है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सी आउट मैक्सिमम गेट मैक्सिमम क्या, मतलब उस फंक्शन को हम आउटपुट करवाया जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है ना, आपने इसको जैसे आप एक वेरिएबल आउटपुट करवाते हैं ना, क्योंकि रिटर्न होकर रिजल्ट आया है, तो जब रिटर्न होकर रिजल्ट आया तो वो एक्चुअली एक वेरिएबल ही समझ ले बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू पड़ी, वेरिएबल का क्या काम होता है कि उसमें अंदर कोई हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये गेट मैक्सिमम के अंदर पहले ये कॉल हुआ, फिर कॉल होके यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई है, तो इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई थी तो हमने इसको आउटपुट करवा दिया। नहीं, ऐसे करना तो ना करें, आप क्या करें, सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं इंट मैक्स और उसे जो ना वो इक्वल कर दें इसके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सी आउट मैक्स है, ठीक है, एंडल, और यहाँ पे आप लिख दें मैक्सिमम नंबर इज, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ, मैक्सिमम नंबर इज 32, ठीक है। ये थे हमारे आज जो हमने आज के टॉप हमारा टॉपिक था फंक्शंस, तो उसके बारे उसके मतलब जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसकी void है, ठीक है, और इसके इंटीजर डेट के लिए हमने एग्जांपल कही, आप दूसरी डेटा टाइप के लिए भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है, मुख्तलिफ फंक्शंस बनाइएगा स्ट्रिंग के लिए, करेक्टर के लिए, ठीक है, और हर तरह के फंक्शन जो ना वो बनाकर आप देखिएगा और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, इंशाल्लाह। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी मेल कर सकते हैं, ठीक है, आपको मैं इंशाल्लाह उसका फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, खुदा हाफिज़।